हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, मैं पंजाबी का बेटा बनिया सलमान और इस ट्रिप में मैडम हैं, मैं हूं और साथ में हमारे चंगू मंगू भी हैं जो अंदर आराम से मजे ले रहे हैं। मैं आपको अंदर की जगह दिखाता हूं, हमने पूरी तैयारी कर ली और अभी मैं आपको अंदर की लोकेशन दिखाता हूं, अंदर के हालात दिखाता हूं चंगू मंगू के साथ। देखिए सो ये रहे हमारे चंगू मंगू, ये हमारी चंगू और हमारी पूरी मंगू और ये पूरा सेटअप है। ये हमारा पीछे सामान रख लिया सारा और ये हमारा बेड सेटअप लग चुका है। शीज हिरल उसको बोलते हैं डोडी और वो है हमारी तारा। डोडी पहन जगह वो है तारा और आगे की हमारी जगह बेड लगाने के बाद भी पूरी तरीके से बनी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा सेटअप बना हुआ है। आराम से यहाँ बैठेंगे हमारी श्रीमती जी, वहाँ बैठेंगे हम और फिर सफ़र की शुरुआत करेंगे। तो फाइनल चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस सफ़र की। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सफर की। जयकारा शेरावालिदा, बोल साचे दरबार की जय, बोल बालाजी महाराज की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय। तो जी अभी बस हम बाहर ही निकले थे और वैसे तो हम कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, सारा सामान सेटअप हमने बना लिया कि हम खुद ही बनाएंगे और खुद ही खाएंगे, लेकिन भाई बच्चों के लिए तो यही मतलब है ना, बाहर निकले तो खाना है, एंजॉय करना है। तो डोडी को हमारी बर्गर किंग दिख गया था और इस बर्गर बहुत अच्छा लगता है। रोटी बर्गर अच्छा लगता है, मैं खाऊं खाना आप काल तो भैया इसको बर्गर दिला दिया है। फिलहाल हमें भी भूख लग रही है तो अभी थोड़ा सा एक्सप्रेस वे पर चढ़ जाएं मुंबई एक्सप्रेस वे पर और फिर देखते हैं कहाँ पर एक बढ़िया लोकेशन हमें मिलती है और फिर अपना कुछ बनाएंगे, खाएंगे और पियेंगे और एंजॉय करेंगे। हाँ चलिए चलते हैं आगे फटाफट से, एक्सप्रेस वे पकड़ते हैं, ये जाम खुल जाए तो यार आगे निकलेंगे यार। फंस गए आज। श्रीमती जी भूख लग रही है बहुत, रेडी रहो, जहाँ जगह मिली वहीं गाड़ी लगा दूंगा मैं। I am ready to prepare and eat. अच्छा नहीं घर वाले कहेंगे ये गंदा गंदा खा रही है जी, रोटी गंदी अनहेल्दी। अपना तो ऐसा ही है, दो बच्चे हैं, पहले एक का पेट भर दिया अब वो चला गया पीछे। अब ये देखो ये हमारे चुन्नू महाराज आ गए, तारा जी, अभी तारा जी को भूख लग रही है, तारा जी का पेट भरना है, बस भूख हमें लग रही थी दोनों को, इन्हें लग गई, अब इनके पेट भर दिए और हमारे खाली है। डेफिनेटली जिनके बच्चे हैं वो पक्का कनेक्ट कर पा रहे होंगे, यही होता है ना, कमेंट करके बताना यही होता है कि नहीं होता। भूख लग रही होती है फिर बच्चे को खिलाते, फिर लगता है चलो इन्होंने खा लिया ना, हमारा पेट भर गया, अपन देख लेंगे बाद। वो वही चल रही थी उसी स्टेज पे चलता है, अब बस एक को फारग करके पीछे भेज दिया, अब इनको फिलहाल है, ये भी अपना मैडम पीछे बेड लगा हुआ है, इनका आराम से सोने जाएंगे और चढ़ने वाले हैं 15-20 किलोमीटर आएगा मुंबई एक्सप्रेस में और फिर चढ़ के आपको दिखाते हैं, मुंबई एक्सप्रेस के दर्शन भी कराते हैं और फटाफट से डेस्टिनेशन पर भी पहुँचते हैं। तो जी यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं हम लोग, बस अभी आपने बोर्ड देख लिया होगा मुंबई एक्सप्रेस वे के लिए, एग्जिट नंबर 10 है, यस एग्जिट 10। तो पीछे से जैसे ही आप गुड़गांव से आते हो तो आपको सेम पुराने वाला रूट लेना है जयपुर का और फिर एग्जिट 10 से आप बाहर आ जाएंगे। तो जी यहाँ से एग्जैक्टली मुंबई के लिए हमें ये रास्ता पकड़ लेना है, सीधा रास्ता नूह के लिए निकल जाएगा, जो हम लोगों ने गुड़गांव वाला फ्लाईओवर छोड़ के लेफ्ट लिया था ना, उसके बाद नॉर्मल फ्लाईओवर हाईवे चल रहा था, अब ये मुंबई हाईवे आ चुका है। अब लग रहा है सटासट की मुंबई से चढ़ गए, जैसे अपना यमुना एक्सप्रेस वे वाला है ना जो आप आगरा जाने के लिए लेते हैं हम लोग, एज इट इज अब बहुत बड़ा फ्लाईओवर आ चुका, हाईवे आ चुका है, सॉरी मैं फ्लाईओवर बोल रहा हूँ। अब लग रहा है कि रास्ता बहुत मस्त और ज़बरदस्त जाएगा और यहाँ पे दोनों तरफ लग तो अच्छे रहे, एनवायरमेंट वाली बना सकते हैं हम अगर कहीं पर बैठे तो आगे दिखा सकते हैं, मैं आपको अभी आगे बोर्ड दिखाता हूँ दोबारा, देखो आप। और जी देखो दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे, ये डोडी एंटर्ड इनटू द मुंबई एक्सप्रेस वे, यस। तो फर्स्ट टाइम हम लोग पहुंचे, डेफिनेटली बहुत लोग पहुंच चुके होंगे, बट हाँ जो लोग नहीं पहुंचे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पहुंच रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी तक नहीं पहुंचे, तो ये आप लोगों के लिए वीडियो है और उनके लिए भी जो पहुंच चुके हैं क्योंकि उन्होंने दिखाया नहीं ना, हम दिखा रहे हैं। तो
ठीक है। और यार आसपास ना बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे यमुना एक्सप्रेसवे का, क्यों दीपाली? हाँ वहाँ भी ऐसे ही, मतलब इधर खेत उधर खेत, बट थोड़ी सी मुझे ऐसा लगा कि सेंटर में ग्रीनरी ज्यादा, सिर्फ बॉर्डर है गार्डनिंग वगैरह किया हुआ और फ्लावर्स वगैरह भी आप देखो, अच्छा स्पेस ले रखा है गार्डनिंग का, राइट राइट, जो आगरा में नहीं मिलेगा आगरा स्पेशल। हाँ तो ये इन्होंने अच्छा कर रखा है, अच्छा बना रखा है। बाकी अगर मैं उधर की बात करूँ या मैं इधर की बात करूँ तो ये उधर सारे खेत वगैरह ही है और अपना फार्मिंग वगैरह चल रही होगी यहाँ पर, तो यही है जी। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कोई हमें बढ़िया लोकेशन मिल जाए जहाँ हम बैठ कर कुछ खा भी सकें और अच्छा सा अमाउंट मिल जाए। वैसे तो शाम होने लगी है तो मौसम और भी अच्छा हो जाएगा। चलिए खोजते हैं कोई अच्छी सी जगह, लोकेशन आपको भी बताते हैं कि अगर आप इस जगह पर आते हो तो कहाँ पर रुककर एंजॉय कर सकते हो, व्यूज़ का मजा ले सकते हो, खा भी सकते हो। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रैफिक का भी हमें ध्यान रखना है कि कहीं पर भी कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जिससे कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो आने जाने वालों को, तो वो भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं आगे कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा। और क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर खाने पीने के हैं अगर आप कैंपिंग नहीं करते हो या आप खुद कुछ नहीं बनाकर लेकर आए और आपको बाहर से आप डिपेंडेंट हो, बच्चे आपके साथ हैं, तो क्या क्या और ऑप्शन है वो भी आपको साथ साथ बताएंगे मुंबई एक्सप्रेस वे पे। हम लोग ना यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग ना एक जगह पर रुके हैं जहाँ पे जैसे खाने पीने का यमुना एक्सप्रेसवे पे भी आप लोगों ने देखा होगा, वैसे यहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे आउटलेट लगे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ना आउटलेट नहीं है, यहाँ पर ना फूड ट्रक्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर ना इस हाईवे के दौरान रास्ते में बहुत सारे आउटलेट्स खुले हुए हैं, जैसे जहाँ पे रेस्ट रूम्स रेस्टोरेंट्स वगैरह का बोर्ड आपको हर जगह दिखेगा 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के दायरे में। लेकिन एक्चुअली मैं आपको बताऊँ तो करीबन 60-70 किलोमीटर चलने के बाद हम लोगों को अब यहाँ पर ये एक जगह मिली है जहाँ अभी भी सारी चीज़ें ऑपरेशनल नहीं है। सच बताऊँ तो जो एक्चुअली चीज़ें बनाई हुई है ना, जहाँ पर रेस्ट रूम्स ओपन है बट कैफेटेरियाज वगैरह अभी ऐसे प्रॉपर ओपन नहीं है। कुछ ना फूड ट्रक्स पीछे लगे हुए हैं, डोमिनोज का फूड ट्रक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप ये देखोगे ना तो यहाँ ना फूड ट्रक्स खुले हुए हैं, डोमिनोज का है, साथ में 2-3 फूड ट्रक्स और हैं, और एक छोटा सा पीछे साइड में वहाँ पर वॉशरूम बना हुआ है उस साइड पर, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए ना यहाँ पे ऑपरेशनल अभी इस हाईवे पे सारे के सारे रेस्टोरेंट्स ऑपरेशनल नहीं है, कुछ जगह पर आपको मिलेंगे, बाकी जगह पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है और अभी खुला नहीं है। बट यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी चीज़ है वो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप यहाँ पर ना व्यू बहुत अच्छा है, पीछे छोटे छोटे से माउंटेन्स बने हुए हैं अगर आप देखोगे तो, आगे वहाँ पर रेस्ट रूम्स वगैरह हैं, आउटलेट्स हैं, फूड ट्रक्स हैं, और यहाँ पीछे पूरा मैदान है खाली और बहुत सारे सैंड माउंटेन्स बने हुए हैं। ये रही हमारी डोडी। डोडी हेलो, कैसा है, मजा आ रहा है? ऊपर रॉकेट की लाइन है, हाँ जी ऊपर रॉकेट की लाइन है। और ये हमारी तारा, तारा स्माइल कर दो। ओह अभी नहीं। और दीपाली जी अब बना ले फटाफट से कुछ खाने के लिए, यहाँ पर जगह वैसे अच्छी है। थोड़ा तो ना इस साइड पर ग्राउंड भी है बट यहाँ पर थोड़ा कूड़ा वगैरह है क्योंकि फूटर्स फेंकते होंगे, उस साइड पर बनाते हैं। यहाँ ना प्रॉपर ना पार्किंग की यहाँ पर जगह भी है तो यहीं पर गाड़ी लगाकर देखते हैं फटाफट से कुछ बनाएंगे, कुछ हल्का फुल्का अगर लेना चाहेंगे तो सामने से ले लेंगे ताकि कोई ये ना बोले कि भैया यहाँ आकर आपने कुछ लिया नहीं और आप अपना बना रहे हो, तो वो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। बाकी देखते हैं जी, जगह अच्छी है, थोड़ा सा अपने लिए बना सकते हैं यहाँ पर। उधर उन लोगों का फूड फोटो सेशन चल रहा है तो क्या बताऊँगा बेटा, तो फटाफट से ब्रांच छोड़ते हैं क्योंकि करीबन 5:15 हो चुके हैं और अंधेरा पड़ जाएगा और फिर हम लोग कुछ नहीं खा पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट, दीपाली जी स्टार्ट करें। चलो जी फटाफट से प्रिपेयर कर लेते हैं अपना यहाँ खाना पीना, अपनी किचन खुल गई है और ये रही अपनी कढ़ाई। तारा जी हमारी रो रही है तो हम उनको ले लेते हैं गोदी में, बोर हो गए हैं। तारा मैडम आपकी प्लेट, और आपको क्या चाहिए बताइए। तेल गरम होना स्टार्ट हो गया है और पीछे आपको दिखाता हूँ, पीछे देखो आप वादियाँ और यहाँ देखो आप आराम से बनता हुआ हमारा घर का खाना। और यहाँ पे हमारी टेबल लग चुकी है, किचन स्टार्ट हो चुकी है, वेजिटेबल सारी की सारी आ चुकी हैं, मैडम ने काटना स्टार्ट कर दिया है और बस इसे काटने के बाद फिर सारे के सारा मसाला हम यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर देंगे। यस डोडी मजा आ रहा है। और जी सारे का सारा जितना भी कूड़ा है ना यार, हम सारे का सारा बैग में डालेंगे और बैग में डालने के बाद
डस्ट, इसको साथ लेकर जाएंगे, ऐसे कहीं भी हम फैलाएंगे नहीं। ये हमारा किचन सेटअप चल रहा है, अनियन कटने स्टार्ट हो गए हैं। एक बढ़िया सी बननी चाहिए दीपाली, बढ़िया सी एकदम मजेदार। I'm trying my best. तेल गरम होता हुआ, और यार वादियाँ देखो पीछे कितनी मस्त है, इतनी मस्त जगह पर खाने को मिल जाए और क्या चाहिए यार। डल गई जी प्याज, मजा ही आ गया यार। सबसे बड़ी चीज तो पता क्या है, पीछे का व्यू देख लो और फिर यहाँ पर बनता हुआ ये घर की वर्मिसली देख लो। शाम के बज रहे हैं 5, गुड एंड हेल्दी, हेल्दी गुड एंड हेल्दी। वैसे तो यार देखो हमारे पास ऑप्शन सामने डोमिनोज भी है और भी बहुत सारे आउटलेट खुले हैं उधर, ढाबा भी है, लेकिन यार ये जो अपने घर की हाथ की बनी हुई चीज़ है और श्रीमती जी बना रही हैं, साथ में हमारी डोरी जी हैं और तारा जी वहाँ अपना दूध पी रही है, अपना आराम से एंजॉयमेंट में अंदर रेडी हुई है आराम से। पीछे ये वादियाँ और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, और यहाँ पे लगाएंगे चेयर, बैठेंगे, खाएंगे आराम से और आपको मजे देंगे। देखो मैंने प्याज काट दी है, तेल डाल दिया है, उधर मैंने अभी टमाटर भी काट दिए हैं, आपको दिखाया था, तो पूरे एफर्ट के साथ खाना बन रहा है जी। और फिर हम इसको खिलाएंगे डोडी को और दीपाली को। है दीपाली खाओगे ना? सारा काम इन्होंने किया, मैंने कुछ नहीं। तेल किसने बनाया खाना सारा का सारा? किसने बनाया? मम्मी ने पापा ने? मम्मी ने बनाया। चलो जी चलो फटाफट तैयार करते हैं, अंधेरा पड़ने वाला है, खा के हमें आगे निकलना, बहुत दूर का सफर है यार। अभी करीबन शायद 250 किलोमीटर के आसपास, 200 किलोमीटर के आसपास अभी भी पेंडिंग है हमारे पास रास्ता, हमें फटाफट करना है, फटाफट निकलना है। और जी देखो हेल्दी चीज़ें हैं, कैप्सिकम अभी कटेगी, कैरेट कट रही है, टमाटो, अनियन हमारे यहाँ पर है, ये रहे जी बन रहे हैं, बस आराम से बढ़िया नाश्ते करेंगे यार। अगर आपको बाहर ट्रैवल करना है ना, तो ट्रैवल करने के दौरान आपको ना हेल्दी भी खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर निकलते हो ना तो कुछ ना कुछ तो बाहर का खाया ही जाता है, कोशिश यही रहती है कि अवॉइड करा जाए। और जब फैमिली पूरी साथ में है और आराम से बाहर बना सकते हैं, एंजॉयमेंट कर सकते हैं, मौसम अच्छा है, वादियाँ अच्छी हैं, तो उसमें क्या चाहिए यार, सबसे ज़्यादा ना यार व्यू अच्छा लग रहा है। अच्छा ये चीज़ है कि हम नेक्स्ट से पे ना ये व्यूज़ नहीं मिलेंगे आपको, क्यों नहीं पाने? देखो जी टमाटर जाने वाले हैं, ये आवाज़ होती है ना जो आवाज़, इस आवाज़ से मज़े आ जाते हैं यार, तड़का लग रहा है, तड़का घर का तड़का, मुंबई एक्सप्रेस वे पर भड़का, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ वैसे यार सही बन गया, घर का तड़का मुंबई एक्सप्रेस वे पर भड़का, हाँ दीपाली शायर हो रहा है, शायर, वाह। देखो देखो आपको पास से दिखाता हूँ, सुनाता भी, जी आ रहा है ना मज़ा, मुझे पता है आप लोगों तक आवाज़ आ रही है, मज़ा आ रहा है, आपको भी मन कर रहा है खाने का, आ जाओ फटाफट आ जाओ। ये क्या जी मसाला, दीपाली ने पहले ही मसाला तैयार कर लिया अपना सारा इकट्ठा करके, और ये ना ये बड़ी अच्छी लगती है मुझे, ये क्या करती है ज़्यादातर ना मसाला पूरे का पूरा इकट्ठा डाल लेती है, जो भी क्वांटिटी में डालना होता है, और एकदम डाल देती है सारा का सारा मसाला, और वो पकता है और पकने के बाद बनता है और बनने के बाद आता है मज़ा। तो दीपाली कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। जरा हमारे देखने वाले दर्शकों को बताओ कि क्या पेनफुल है या आराम से काम हो जाए? हाँ राइट, आप लोग बताओ आप लोग वर्मिसली में जबों में क्या क्या डालते हो? हम तो यार सारे वेजिटेबल डाल देते हैं भाई, ए टू जेड, शिमला मिर्च, गाजर, और क्या क्या रहता है, मटर, राइट, प्याज, आलू भी डाल देते हैं कभी कभी, बट जनरली अवॉइड, हाँ थोड़ा सा पोटैटो, पोटैटो कर दे आपको पोटैटो, तो इसलिए कॉर्न भी डालते हैं। हाँ कौन डालते हैं, डालते हैं, आप बताओ यार कौन स्वीट कॉर्न डालता है, चलो आप बताओ स्वीट कॉर्न कौन डालता है और पोटैटो कौन डालता है जब हमें, कमेंट करके फटाफट से बता दो, चलो जल्दी करो। हाँ यार भूख लग रही है और अंधेरा भी पड़ने वाला है, तो यार हमारी ये तारा रानी जो है ना ये
बहुत ज्यादा रो रही थी तो इन्हें गोदी में लेना पड़ेगा। इन्हें गुस्सा आ रहा था कि यार सब बाहर एंजॉय कर रहे हैं, मेरे को गाड़ी में लिटा दिया है, तो इसे मैंने गोदी में ले लिया। बाकी हमारी ये जवे जो है ना बॉम्बे से ली, यहाँ तैयार हो रही है। दीपाली राणा हमारी शेफ यहाँ खड़ी हुई है। तो जी फाइनली हमारे जवे तैयार हो चुके हैं। थोड़ा अंधेरा पड़ गया जी, लाइटें वाइटें हमने लगा ली हैं अभी। क्या खुशबू आ रही है यार, गर्मा गर्म जवे आ जाएंगे मजे। जवे हो गए तैयार, वंडरफुल, मजा आ गया जी, बहुत मजेदार। और घर जाए स्वाद, बाहर मिल जाए वो भी ऐसी वादियों के साथ, तो क्या ही मजे। आप भी आओ मुंबई एक्सप्रेस वे और एंजॉय करो ऐसे खाने। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसी और अच्छी सुंदर सुंदर वीडियो देखनी और खाना खाना है तो हमें वीडियो को लाइक करते रहना और चैनल को सपोर्ट जरूर करते रहना। हाँ जी मैडम, कैसे लग रहे हैं जबे? मेहनत के अच्छे होंगे, वो देखो अंदर बैठी हुई मेहनत बता रही तुम्हें, उसे भी खाने हैं, मांग रही है वो अभी चोटियां उसके लिए। थैंक यू सो मच जी फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। फिर मिलते हैं एक नई जगह पर नई वीडियो के साथ, नई लोकेशन पे, नए खाने के साथ, नई जिंदा दिली के साथ। इन्हीं चंगू मंगू टाटा टाटा, डोरी बाय करो।